दियो, हम तीन चार दिन मांगा आराम से, जब हमारी मांग पूरी हो जाएगी तो थाने जेल में रहेंगे। अरे सुने जाकर परेल छोड़ दिया, हाँ इतना डर जरूर है, छोड़ा ऐसी जगह जहाँ घर ना हो आसपास, जहाँ पानी भी ना मिले, तो भाई जाओ तो एक बोतल पानी की ओर ले जाए अपने साथ, है ना, पानी ना मिल रहा हूँ, छोड़ी ऐसी जगह रहे, अब मौत ऐसी लगे ऐसे जंगल भी कम पड़ जाऊंगा इनको छोड़न को, कोई गिरफ्तारी तो डरो मत, कोई गिरफ्तारी उरफ्तारी नहीं है, यो गिरफ्तारी तो हम गिरफ्तारी माना कानून के दायरे में है तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ गिरफ्तारी ना माना, गिरफ्तारी तो ये है हम ले जा रहा, हम तो जान रहा भाई, तो घर फोन कर दियो, हम तीन चार दिन मांगा आराम से, जब हमारी मांग पूरी हो जाएगी तो थाने जेल में रहेंगे। अब यह गिरफ्तारी कर रहे हैं, गिरफ्तारी प्रक्रिया आपने देख ली, कुछ ना है, निशु ले जाएंगे आप थोड़ी दूर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे छोड़ देंगे और वापस आ जाएंगे। भाई यह गिरफ्तारी डरने की जरूरत ना, मजबूती से खड़ा रहो और मजबूती से लड़ो, मेरे हिसाब से तो गिरफ्तारी रहेगी, आपकी जीत होगी इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, तमाम भाइयों के लिए मैं बता दूं, जो इंसाफ मांग रहे हैं ये एमआईएम पार्टी के 4 जिलों के प्रभारी इमरान नवाब ढाणी है। आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था कि एक बुज़ुर्ग को शेखपुर के थाने में बेरहमी से पीटा गया, तो उसी के सिलसिले में यहाँ लोग जमा हुए हैं जिनको पुलिस अरेस्ट कर कर ले गई थी, जिसमें इमरान नवाब भी उसी बस के अंदर थे, जिस बस के अंदर 100-150 लोगों को पुलिस ने भरा था और उनको थाने के लिए लेकर गई थी। आपने दोस्तों इमरान नवाब ढाणी के अल्फाज सुने हैं कि खेत भर सकते हैं हम लोगों से, जेल भर सकती है, लेकिन शायद हम पीछे नहीं हटेंगे, इंसाफ लेकर ही रहेंगे, जुल्म के ख़िलाफ़ हम बोलते रहेंगे। तो आप दोस्तों की क्या राय है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्या आप इंसाफ चाहते हैं।